राधे राधे दोस्तों, तो चलिए आज आप और मैं मिलके बनाएंगे पालक से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। उसके लिए मैंने यहाँ चार पालक की पत्ती ली है, वो इसलिए घर का पालक है, काफी बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं इसके, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो चार ही काफी हो जाएंगे। यदि आपकी छोटी छोटी पत्ती है तो 10-12 पालक की पत्ती आप कम से कम ले लेना है। यहाँ पर डंडी वगैरह हम काट देंगे क्योंकि आज हमें उनकी पत्ती पत्ती की ही जरूरत है। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा टाइम हो तो कमेंट में लिखकर भी बताएं कि रेसिपी आपको कितनी पसंद आई। तो आपको यहाँ पर है ना पालक की पत्ती को किस तरीके से कट करना है कि बारीक बारीक कट जाए। तो ये पत्ते जो है काफी मोटे मोटे हैं, तो मैं यहाँ पर पहले इनमें एक कट इस तरीके से लगा लेती हूँ, जिससे क्या होगा बारीक बारीक इसकी पत्ती हो जाएंगी। आज मैं इस रेसिपी को बहुत ही हेल्थी वे में बना रही हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस रेसिपी को रख सकती हो, बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। या फिर शाम के टाइम आपका खाना बनाने का मन ना करे, सब्जी वगैरह बनानी पड़े एक्स्ट्रा, तो आप इसको रोटी और सब्जी दोनों की जगह बनाकर अचार या चटनी के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेते हैं फटाफट से। पालक कट गया है तो एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने एक प्याज और एक मिर्ची ले ली है, प्याज ज्यादा बड़ी नहीं ली है, छोटी सी लेनी है आपको, एकदम बारीक बारीक इसको कट करना है। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया, ज्यादा नहीं, एक छोटी चम्मच आपको ऑयल डालना है, बस इतना था। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, गर्म ऑयल में 1/4 चम्मच के लगभग हमें जीरा डाल देना है, इसको थोड़ा सा चटकने देना है। अब हमारी प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे और इनको चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा पकाना है आपको, जिससे कि इसमें कच्चापन निकल जाएगा प्याज वगैरह का और हल्की मिठास बनी रहेगी। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चों के हिसाब से रेसिपी को मैंने बनाया है। हल्दी नाम मात्र की डालनी है, 1 चुटकी, आप देख सकते हो। थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर, और साथ में आप क्या करें यहाँ पर इनको हल्का सा चलाएं, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल से इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार कर रहे हैं आज। पालक को डाल देंगे जो हमने कट करके रखा है, और थोड़ा इसको अलटते पलटते हुए चलाएंगे, जिससे क्या होगा पालक में जो पानी है ना वो रिलीज होगा, वो पालक हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा। पालक को आपको यहाँ पर ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा पक जाए, पत्ती मुलायमपन पे आ जाए कुछ इस तरीके से। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठंडा होने को रख देंगे इसको हम। अब आपको लेना है यहाँ पर गेहूं का आटा, 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसे छान लिया था। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया, बेसन को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, वैसे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहो तो गेहूं के आटे से ही बना सकते हो इस रेसिपी को, टेस्ट में अंतर आता है, बेसन से और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है रेसिपी का। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे 1/2 चम्मच छोटी गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही हमें डालना है चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाले की जगह आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो यदि आपके पास नहीं है तो, या फिर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें, इससे खट्टापन का फ्लेवर आ जाता है नाश्ते में। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, जैसे कि इसमें हमने बेसन डाला है तो अजवाइन डालने से फ्लेवर इनहेंस होता है, और साथ में बेसन को पचाने में भी अजवाइन मदद करती है। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर पहले हम। अब आपको पानी लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम ज्यादा गाढ़ा सा घोल ना बनाए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के होता ही है, इसमें गुठले नहीं पड़ते हैं आटे या बेसन के किसी के भी। तो वापस से डालेंगे पानी थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने एकदम बढ़िया इसका पतला सा घोल बना के तैयार किया है कुछ इस तरीके से, चम्मच से गिराएंगे तो काफी अच्छे से गिर रहा है, आप देख सकते हो। इतनी देर में हमारी ये भी ठंडी हो गई है, पालक वगैरह जो हमने रखी है, तो इस घोल में हमें ये सभी चीजों को डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तड़के को इसमें हम, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका, और बहुत ही ज्यादा हेल्थी भी हो जाती है रेसिपी, जैसे कि पालक जो है हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो वैसे तो हम कुछ खाते नहीं है, पालक का जूस वगैरह नहीं पीते, बाकी आप इसको इस रेसिपी में डालकर खा सकते हो, हेल्थी भी है टेस्टी भी है। अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और कुछ इस तरीके का आपको बैटर बनाना है, ज्यादा पतला मत कर देना और ज्यादा गाढ़ा भी मत करें, बस इस तरीके से बैटर रखें कि चम्मच से गिराएं तो आसानी से गिरना चाहिए। यदि दोस्तों आपको मेरी यहाँ पर रेसिपी पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट एक छोटी सी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मुझे अंदाजा हो जाता है आपको रेसिपी पसंद आती है, और खुशी भी बहुत ज्यादा होती है। और चैनल पर आप मेरे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे और आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकोगे।
मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया है और थोड़ा सा बीच सेंटर में ऑयल लगाएंगे। अच्छे से पहले तवे को गर्म होने देंगे। अब आपको एक बड़े चम्मच बेटर लेना है और उसको अच्छे से बीच में फैलाते हुए थोड़ा हल्का सा गोल गोल शेप दे देना है। तो हल्का सा इसको आप मोटा रखें जिससे कि खाने में टेस्टी लगेगा। इस तरीके से कर देंगे तो बढ़िया से शेप भी हो जाएगा इसका और टेस्टी तो ये है ही सही दोस्तों। तो बस इसको आप सीखने दें थोड़ी सी देर। जैसे ही सीख गया है अलग ही नजर आने लगता है ऊपर से, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दें इस तरीके से और इसको टर्न कर दें। बहुत ही आसानी से पलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हल्का सा प्रेस कर दें और अच्छे से सिकने का वेट करें दूसरी साइड से। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको वापस से पलट देना है और थोड़ा सा इसको अलटते पलटते हुए सेके दबाते हुए अच्छे से अंदर तक ही सिक जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेक लिया है, काफी प्यारा इस पे कलर भी आया है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ इसको सेक लेना है। अब इसको हम यहाँ एक प्लेट में निकाल लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, एक बार और आपके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो, फटाफट से बन जाती है रेसिपी। खाने में बिल्कुल पालक पकोड़े नहीं खाते उस तरीके से, कुछ कुछ इसका टेस्ट मिलेगा आपको। हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको हम पलट देंगे। एकदम बढ़िया ही सिक चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा कम सा लग रहा है। दोनों साइड से हमारा नाश्ता सिक चुका है, एकदम बढ़िया कलर आया है। तो बस इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और कोई खाएगा ना जब मैं गरम गरम बनाऊंगी, फिलहाल मैंने दो ही पीस बनाए हैं। यहाँ पर नाश्ते को टमेटो केचप के साथ सर्व किया है। हल्का सा ऊपर से कुरकुरा होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप जरूर ट्राई करें दोस्तों एक बार, गरम गरम है टमेटो केचप के साथ एंजॉय करें, या फिर आप हरी मिर्च की चटनी भी बना सकती हो। तो बस मैं तो गरम गरम है तो खाने चलती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए।